स्वागत है आप सभी का गुरुबा क्लासेस में। आप सब कह रहे थे इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्विज, पहला क्विज। देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इधर आएगा, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन ए 1990, बी 1992, सी 1996 और डी 2001। ये मैंने चर्चा की थी जब मैंने लैंगिक असमानता की बात की थी, तब मैंने चर्चा की थी राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी 1992 करेक्ट है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, जल संरक्षण की बिरडा पद्धति प्रचलित है। बिरडा पद्धति जल संरक्षण की कहाँ प्रचलित है? नंबर ए गुजरात, नंबर बी उत्तर प्रदेश, नंबर सी केरल और नंबर डी तमिलनाडु। तो बिरडा पद्धति की हमने बात की थी, हमने विभिन्न उड़ीसा से लेकर नागालैंड से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर सब में जल संचयन की जो विधियाँ थी उनके बारे में चर्चा की थी जल संरक्षण के अंतर्गत। तो ये जो है जल संरक्षण की बिरडा पद्धति ये प्रचलित है गुजरात की। तो इसका सही आंसर है ए गुजरात। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? ये तो अभी बहुत अभी अभी पढ़ाया था कुछ कल या आज में पढ़ाया था मैंने। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? नंबर ए 1972, नंबर बी 2000, नंबर सी 1947, नंबर डी 1990। तो राष्ट्रीय बाल नीति जो थी, अच्छा अपनाई जो थी, जो हमने संयुक्त राष्ट्र के जो बाल अधिकार जो थे वो अपनाए थे 1992, 11 दिसंबर 1992 को। और राष्ट्रीय बाल नीति जो बनी थी, मैंने इधर लिखा था, वो बनी थी 1947 में। तो 1947 का करेक्ट आंसर है, 22 अगस्त को थी शायद, 22 अगस्त 1947 ये सही आंसर है, राष्ट्रीय बाल नीति सी। चौथा क्वेश्चन, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? कोठारी आयोग टाइमलाइन बनाई थी, स्टार्टिंग सर करी थी कोठारी आयोग, सबसे पहला कोठारी आयोग ही था, ऐसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जे एस कोठारी इसके अध्यक्ष। तो ये बना था 1963 में, 64 में, 69 में या 75 में? तो ये बना था 1974 में। इसका आंसर बी ठीक है। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, विवेकानंद, महात्मा गांधी और जॉन डीवी। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन है विवेकानंद जी का। पेस्टोलॉजी ने क्या बोला था? पेस्टोलॉजी ने बोला था शिक्षा मनुष्य की जनजात शक्तियों का विकास है, जनजात शक्तियों की स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा मनुष्य की जनजात शक्तियों की स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है, ये बोला था पेस्टोलॉजी ने। विवेकानंद ने बोला था शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, तो इसका सही आंसर हुआ विवेकानंद। अच्छा छठा क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीवी कृष्ण नहीं है? जब जॉन डीवी का जब मैंने जॉन डीवी के बारे में बताया था, जब जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन पढ़ाया था उसमें मैं चर्चा की थी इनकी सारी रचनाओं के बारे में। तो द कोसल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो इनमें से हाउ वी थिंक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, द स्कूल एंड सोसाइटी है। तो जो नहीं है वो आपको पता चल गया होगा, पहला आंसर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी रचना नहीं है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, सातवां क्वेश्चन, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? जब मैंने शिक्षा नीति पढ़ाई थी, अच्छे इसमें देखो, इसमें पहले उसके ऑप्शन की चर्चा करते हैं, 1975 में, 1968 में, 1966 में, 1986 में। तो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। तो 1986 के बारे में ज़्यादा लोगों के ध्यान में रहता है, पर इसका सही आंसर है 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी। टाइम लाइन मैंने आपको बताया भी था, जैसा कि स्वतंत्रता पश्चात के जो स्वतंत्र पश्चात शिक्षा के प्रयास वीडियो में बताया था मैंने। तो 1986 इसका गलत आंसर है, 1968 इसका ठीक आंसर है। छनाई का सिद्धांत या निष्पादन सिद्धांत किसने दिया था? ऑकलैंड, एडिसन स्मिथ, मैकाले और न्यूटन। देखो ऑकलैंड तो अपना आदमी था, इसने 30,000 रुपये दिए थे, इसने अंत करा था पाश्चात्य विवाद का, तो ऑकलैंड तो हो नहीं सकता। एडम स्मिथ पता नहीं, सुना ही नहीं हमने। न्यूटन, अरे यार वो तो कहाँ साइंस का रिलेटेड है, पर खैर छनाई का सिद्धांत भी साइंस से हो सकता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके दिमाग में हो सकता है। पर ये सिद्धांत दिया था मैकाले ने। इसने क्या बोला था कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग से छनते हुए निम्न वर्ग की ओर आती है, आनी चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि हमें उच्च वर्ग को शिक्षा दें और धीरे धीरे छनते छनते निम्न वर्ग पर आएगी, तो बहुत विशाल जलधारा बन जाएगी और सब सबका भला होगा। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, इनका सिद्धांत सही नहीं था। खैर ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था मैकाले ने। नवे क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आयोजन हुआ था कौन से सन में हुआ था? 1975 में, 1938 में, 1936 में, 1937 में। वर्धा जो जहाँ सम्मेलन जिसमें शिक्षा के बारे में गांधी जी ने अपने विचार रखे थे वो आयोजित हुआ था सन 1937 में। तो इसका डी आंसर ठीक है, 1937। कुतुब का अर्थ क्या होता है? मुगलकालीन शिक्षा, कुतुब का अर्थ क्या होता है? कुतुब का अर्थ होता है, देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं इन्होंने, कहा था उसने, कहा उसने, लिखा उस्ताद या धार्मिक शिक्षा। तो आप बताइए, सोचिए, बाकी इसका अर्थ तो उसने लिखा ही होता है, ऐसे मैंने चर्चा भी करी थी।
क्वेश्चन नंबर 11, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, कौन सी संस्था थी? नंबर 1 ब्रह्म समाज, नहीं क्योंकि वो राजा राम मोहन राय की है। दूसरा रामकृष्ण मिशन, यही इसका ठीक आंसर है। तीसरी बात करते हैं आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी की है। चौथा वेदांत समाज, ये भी नहीं है, तो बी रामकृष्ण मिशन। 12वां क्वेश्चन, भूमंडलीय ताप वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 3 क्लोरीन। तो भैया ऑक्सीजन जो है वो भूमंडलीय ताप वृद्धि नहीं करती है, हाइड्रोजन भी नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ये पहला क्विज था मेरा, तो मुझे जानकारी भी नहीं थी कैसे बनाना है। बाकी ये तो मैंने क्विज की बात करी, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीधे मॉडल पेपर बनाऊं जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों हो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, वरना अगर क्विज जारी रखना है तो मैं क्विज जारी रख सकता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। आप बताइए आपको कैसी चीज़ चाहिए, मैं वैसी ही चीज़ें बनाऊँगा। और बताइए क्विज में कितने क्वेश्चनों को आपका आंसर पता थे 12 में से। धन्यवाद।